नमस्कार स्पेशल रिपोर्टर आउ एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुच्ची विकास दर्शक बंधु कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवाद आउ विरोध जमी राहुल बेस्ट फ्रेंड पलट जाइए केम्ब्रिज पर एवं कैलिफोर्निया जोटी उड़ी खलिस्तान पताका आउ सुबिची खलिस्तान नारा सबुठ आश्चर्य कथा है राहुल उपस्थित देश विरोधी शक्ति होते काठी आमेरिकार राहुल सोरे टुकड़े टुकड़े सिंडिकेट खालिस्तानी कुहुता निरे कंग्रेस ढाला कि घि जहाँ एवं सबुठ चर्चा कैलिफोर्निया रे कांग्रेस एंड कोर ए प्रायोजित नाटक पछरे कौन रही षड्यंत्र आसतु विस्तार से जानवा आज स्पेशल मोहब्बत की दुकान रे जहर सामान रे कांग्रेस प्रायोजित नाटक रे खालिस्तानी केमिति पशिले यह एवं सबुठ बड़ प्रश्न कहीं दिगला राहुल उपस्थित रे खालिस्तान समर्थन रे नारा एसबु आगू को कौन बड़ षड्यंत्र संकेत नुहे तो सेपटे जातीयण आक्षेप आपत्तिजनक मंतव्य एवं एक निर्दिष्ट वर्ग को टार्गेट एसबुरे माहिर होती राहुल गांधी खालिस्तान पताका खालिस्तान नारा तो एठी लुची बसी अमृतपाल गैंग देश विरोधी शक्ति विदेश रे होइछंती एकाठी बड़ नेता पाई हेउची नाराबाजी भारतर टुकड़े टुकड़े गोष्ठी बड़ मंच चली विदेश कांग्रेस नेता पछरे टुकड़े टुकड़े ज्ञान मोहब्बत की दुकान रे विष व्यापार खालिस्तानी कुहुता निरे कांग्रेस ढाली लाख्य कैलिफोर्निया रे कांग्रेस एंड कोर प्रायोजित नाटक पछरे कौन रही षड्यंत्र दूर थी हिंसार मंजी बुणा षड्यंत्र करुची किए आपण निजे देखिले होइछि बेआश्चर्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी जे कि एबे अछंति विदेश रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका रे चलाइछंती निजर कार्यक्रम मोहब्बत की दुकान एनआरआई मानंकु संबोधित करी राहुल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रे उद्बोधन देवा समय रे एक वीडियो एवे आसीछि सामना को जेउथिरे प्रवासी कम एले खालिस्तानी समर्थकंकु अधिक देखिबाकु मिलिछि खालिस्तान समर्थन रे एही कार्यक्रम रे पडिथिला नाराबाजी जहाकु नै एबे विवाद बढ़ी पारे लागिछि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली वेलकम वेलकम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान केवल से नुहे एक कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा लोके माने सतरे प्रवासी भारतीय कि नहीं ताहा भी संदेह रे कहीं कि एहार किछि वीडियो एवे सोशल मीडिया रे वायरल हेबार लागिछि जेउथिरे देशर जातीय संगीत गान करा जाउछि हेले छिडा हेबा त दूरर कथा टिके सम्मान केही देखाउ नथुबा वीडियो रे स्पष्ट जणा पडुछि तेणु एवं राहुल मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम पछरे केउ शक्ति कार्य करुछि तहा देशवासी को संदेह घेरे पकाई देछि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं अमेरिका गस्तरे अछन्ति अमेरिका रे राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटाक्ष करिछन्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रे उद्बोधन दे राहुल कहिछन्ति मोर मने हुए
आपण माने जदि मोदी जी को ईश्वर आगे बसाई दिंट विश्व ब्रह्मांड केमिति चली से ईश्वर को बुझाई देबे। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई। जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक, इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस, इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। उनको तो लगता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, उनको लगता है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस, उनको लगता है कि डायनेस्टी इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इज डायनेस्टी। और जब उन्हें लगता है कि अब डायनेस्टी डिमोलिश हो रही है तो बताते हैं दुनिया को कि साहब डेमोक्रेसी डिमोलिश हो रही है। और जिस तरह से ये मोदी बैशिंग की इनकी सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले लेती है, विदेश में जाकर के खास तौर से दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी खतरे में है, दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो खतरे में हैं। अरे भाई, आप इसी देश की डेमोक्रेसी की वजह से ही, अगर डेमोक्रेसी यहाँ ना होती तो क्या कोई व्यक्ति विदेश में बैठ करके भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र तो साजिशें कर सकता था? से बड़े देश प्रधानमंत्री को नहीं राहुल का पुणी एभली अपशब्द को नहीं विवाद तेजीबारे लगी, विरोधी पुणे घेरिछन्ते राहुल को। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। दर्शक बंधु, बिना प्रमाण बिना तथ्य रे विदेश माटी रे भारत विरोधी बयान देबारे राहुल सदाबेले धुरंधर। गोटेपटे प्रधानमंत्री को विश्व नेतृत्व समर्थन, आउ एपटे यहाँ सहजरे हजम करिपारुनि कांग्रेस दल। एथिपाई मुक्त मतव्यक्त अधिकार अपव्यवहार करी देश को बदनाम करने को होता षड्यंत्र में सामिल हो जाते कांग्रेस नेता राहुल गांधी। विदेश माटी रे भारत को बदनाम करिबारे राहुल धुरंधर। कैम्ब्रिज रे राहुल करिथिले एमिती मिछ गप, राहुल का टिप्पणी को नहीं भारत रे होइथिला छड़। बिना प्रमाण बिना तथ्य रे विदेश माटी रे राहुल गांधी का भारत विरोधी बयान देबारे राहुल सदाबेले धुरंधर। गोटे पटे प्रधानमंत्री को विश्व नेतृत्व समर्थन, आउ एपटे यहाकु सहजे हजम करिपारुनि कांग्रेस दल। एथिपाई मुक्त मतव्यक्त अधिकार अपव्यवहार करी देश को बदनाम करने को होता षड्यंत्र में सामिल हो जाते कांग्रेस नेता राहुल। निर्वाचित सरकार विरुद्ध विदेश माटी रे मत रखी पुणी थरे देश विरोधी चिंताधारा प्रमाण देते राहुल। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, दैट इज द बेस्ट वे आई कैन से इट, व्हिच इज दैट इट इज फेल्ट मोस्ट स्ट्रांगली बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। तारीख राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां उनकी सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा दलित पीड़ित हैं। ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर दलितों पर अत्याचार हुए तो उनकी सरकार में हुए हैं। और वह कैसे बोल सकते हैं कि अगर सिखों का नरसंहार हुआ हिंदुस्तान में तो उनके राज में हुआ, जब दिल्ली के अंदर 3000 सिख उनके पिता ने मरवा दिए थे, तो उनको ये बातें कहते शोभन देता है। वह ये बताएं किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद 2019 में आने के बाद 5 करोड़ मुसलमान बच्चों के लिए वजीफे एलोकेट किए,
सबसे पहला फैसला ये था भारत सरकार का, किस प्रकार से वह चिंता करते हैं जो मुद्रा योजना या किसान सम्मान निधि या उज्ज्वला योजना या सिर पे जो मकान दिए जा रहे हैं, छत दिए जा रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लगभग 30% हिस्सेदारी मुसलमानों की है, जो उनको एडवांटेज मिल रहे हैं बेनिफिशरीज के, परंतु उनको उनका जो चश्मा है वो एक रंग का है, उनको देश की निंदा करनी है, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। पूर्वरु कांग्रेस रा भारत जोड़ यात्रा पर निजकु गंभीर राजनेता भावे उपस्थापन करिबाकु प्रयास करितबा राहुल केम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे करथिले विवादीय कार्यक्रम। आज हिंदुस्तान में हमारे लोगों को कहा जाता है तुम दलित हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम दलित हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा बोलोगे पीटा जाएगा, दलित एट्रोसिटी एक्ट छीन के हम खत्म कर देंगे, स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे। अच्छा ट्राइबल हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, किसान हो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, माइनॉरिटीज तुम्हें भी नहीं मिलेगा, गरीब हो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? अनिल अंबानी को। तेरे विदेश माटी रे यहाँ भारत विरुद्ध रे राहुल का प्रथम टिप्पणी नुहे। 2017 रु विदेश गस्त समय रे एपरि 6 थर भारत विरोधी बयान दैछंती राहुल। 2017 सेप्टेम्बर रे राहुल अमेरिका रो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रे अहिंसा प्रसंग रे टिप्पणी। लिबरल जर्नलिस्ट बीइंग शॉट, पीपल बीइंग लिंच्ड बिकॉज़ दे आर दलित्स, मुस्लिम्स किल्ड ऑन सस्पिशन ऑफ ईटिंग बीफ, दिस इज न्यू इन इंडिया एंड डैमेजेस इंडिया वेरी बैडली। The politics of hate divides and polarizes India, making millions of people feel that they have no future in their own country. 2018 January re Bahrain re niyukti prasang re sarkaran ka viruddh re tippani. The only way for us is to go to the large mass of the Indian people. How does the Congress party now go back to its roots and start moving into mass action? We have to think of funding in a completely new way, and we have to think about an organizational system that is much closer to the large mass of people, and we also have to think of large scale mass movements. We are going to have social problems, they're coming without any doubt, there is going to be a mass upsurge. You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka. 2018 मार्च रे मलेशिया रे विमुद्रीकरण निष्पत्ति को विरोध करी विवृति। We are now fighting the institutional structure of the Indian state. In his address, he repeatedly used phrases like mass action and mass movements. The only way for us is to go to the large mass of the Indian people. How does the Congress party now go back to its roots and start moving into mass action? We have to think of funding in a completely new way, and we have to think about an organizational system that is much closer to the large mass of people, and we also have to think of large scale mass movements. We are going to have social problems, they're coming without any doubt, there is going to be a mass upsurge. You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka. 2018 March re Singapore school re Bharat re bhayar vatavaran tippani. Where we are running into trouble now, right, is the levels of violence, the levels of anger that you are seeing in India. Right. And this, to me, this is central. The idea of India that Gandhiji envisioned was an India where everybody felt they had a home, everybody felt comfortable, regardless of religion, regardless of community, regardless of state. The idea that anybody coming into India, even a foreigner coming into India, felt comfortable in the country. And that is an idea that is now, I'm sorry to say it, but that is an idea that is now being challenged. 2018 August re ब्रिटेन गस्तरे भारत सरकार अर्थनीति विरुद्ध रे टिप्पणी। 50,000 jobs every 24 hours in China.
450 jobs in 24 hours in India. 2018 अगस्त रे जर्मनी गस्त समय रे मध्य नियुक्ति प्रसंग रे सरकारों को समालोचना. I would agree with the idea that the treatment of women in India leaves a lot to be desired. I think there is a huge amount of violence against women in India. A lot of it is visible, a lot of it is on the street. Huge amount of it is invisible, you never see it. It happens in houses. Women never talk about it. I think it is a cultural issue. It is an issue of how Indian men view Indian women. The fact that violence is increasing dramatically in India, women are actually getting a huge share of it. I think it is a tragedy. I think that is the single most important thing that India needs to do, is change the way its men view its women. केम्ब्रिज परे कैलिफोर्निया रे भारत विरोधी षडयंत्र खलिस्तानी समर्थक और कांग्रेस नेता गोटे मंच रे एकाठी हेबा एबे देश पाई नुआ संकट को ठिया करिछि. ता लगता है कि कुछ लोग राम संस्कृति भारतीय संस्कृति में नहीं रोम संस्कृति में पले बड़े हैं और इसीलिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और विष फैलाने का काम पहले भी उन्होंने किया है. पहले विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग करना और आज अनर्गल दुष्प्रचार फैलाना भारत के खिलाफ, ये वही राहुल गांधी है जो अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं, विदेश में दौरे और घूमने वाले कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से देश को अपमानित करते थे, आज फिर से उनको आज मुसलमानों की याद आ गई है, आज दलितों की याद आ रही है, आज सिखों की याद आ रही है. तो हम कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि सन 80 में आपने यही दलित भाइयों को छुआछूत की बीमारी लगा दी थी. आप तो इनको छूना भी पसंद नहीं करते थे. आज अगर किसी ने गले लगाया है वो आदरणीय मोदी सरकार है. आज अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों का वोट ले लेकर आप बार बार सत्ता में आते रहे, तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे, लेकिन बर्बाद करने का काम आपने क्या. एक विदेश की धरती पर बैठकर देश को बदनाम कर रहे हैं. देश की प्रगति का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है, हर समुदाय को मिल रहा है, हर भारत के नागरिक को मिल रहा है. कांग्रेस की सोच नीति व नीयत हमेशा ही तुष्टिकरण की रही है. आज भारत की ताकत दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाले राष्ट्र के रूप में हुई है. जिन अंग्रेजों ने 250 साल भारत पर राज किया, उस ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत की अर्थव्यवस्था पहले पांचवें नंबर पर पहुंची है और राहुल गांधी जी जल्दी ही वो विश्व के तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले. लेकिन राहुल गांधी जी आप क्या कर रहे हैं, उसी भक्ति से जिससे भगवान को समझा सकते हैं ना, तभी वो है क्या. 11 करोड़ महिलाओं की इज्जत के लिए घर में शौचालय बनवा दिया, 48 करोड़ लोगों को बैंक के खातों से जोड़ दिया, 3.5 करोड़ लोगों को बेघर को अपना घर दे दिया. और आपके पिताजी कहते थे राहुल जी, राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, कि हम भेजते हैं 100 रुपया 15 रुपया पहुंचता है, उसका निदान कर दिया. आप अगर 1000 रुपया भेजा जाता है तो 1000 रुपया ही पहुंचेगा, बीच में कोई राहुल गांधी का चेला नहीं आएगा. अमृतपाल ग्यांग आगो को कौन षडयंत्र करुछि तहा संदेह रे, आउ खलिस्तानी को कुहुक थिबा निया रे कांग्रेस केऊ खियो ठाळीछि तहा तो निया व्यापीबा परे स्पष्ट होइछि. ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज. तो कैलिफोर्निया रे राहुल को ही कार्यक्रम रे प्रवासी कम हेले खलिस्तानी समर्थकों को अधिक देखिबा को मिलिछि. खलिस्तान समर्थन रे एही कार्यक्रम रे पड़ीथला नाराबाजी भी, जहाँ को एबे नेई विवाद बढ़िबार लागिछि. तो आज स्पेशल रिपोर्ट रे समय सरिछि, विदा दियंतु, नमस्कार.